पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां का जो अपमान किया गया है उसके विरोध में मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के पुतले को पहले फांसी दी और पाकिस्तान के खिलाफ मुरादाबाद के नारे लगाते हुए पुतले को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कुलभूषण की मां और पत्नी का अपमान किया गया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत सरकार से मांग है मुस्लिम देशों में बुर्के में आने वाली महिलाओं की भी चेकिंग की जाए और इस आज मुरादाबाद महानगर में इंपीरियल सराय पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फांसी दी है और जो घिनौनी हरकत पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा की गई कुलभूषण जाधव जी की पत्नी को चूड़ियां निकलवाई चप्पल निकलवाए उनके बल्कि सॉल तक बाहर रखवा दिया गया। ऐसी घिनौनी हरकत की बजरंग दल कठोर निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है ऐसी घिनौनी हरकत जो की है पाकिस्तान या किसी भी मुस्लिम कंट्री से आए हुए कोई भी व्यक्ति आए या बुरखे में आए तो जो आतंकवाद को पनपा जा रहा है बुरखे के माध्यम से उसको बंद किया पूर्ण रूप से उनकी जांच हो जिससे कोई बुरखा उतार कर जांच होनी चाहिए ऐसी बजरंग दल मांग करता है भारत सरकार से। जय श्री राम। पाकिस्तान प्रधानमंत्री का